तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं और एक स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ, तो फिर मैंने तो पहले देख लिया वीडियो का सहा होने वाला। तो दोस्तों आप भी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई परेशानी आई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ फोटो वगैरह आपको सभी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑल मटेरियल लिंक में देखने को मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप भी एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलाइट मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आपको आना होगा, और जो सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना सबसे पहले देखो। और ये दो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना नहीं आता है तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बिटमैप को कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना होगा, तो सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। और सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी छिड़खानी नहीं करना। देखो यहाँ पर जितने सारे लेयर है, और यहाँ पर जो लिरिक्स है आपको लिरिक्स लिखना नहीं होगा, लिरिक्स मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, तो आपको कुछ भी यहाँ पर छिड़खानी नहीं करना। यहाँ पर जितने सारे लेयर है ये लेयर को कुछ भी छिड़खानी आपको नहीं करना। तो आपको क्या करना होगा, खाली देखो ये जो फोन है ये फोन को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा, और लाइट मोशन में इनपुट करना होगा। तो ये दो फोन सॉरी ये फोन को डाउनलोड कर लेना और लाइट मोशन में इनपुट कर लेना। और लाइट मोशन में फ़ोन को कैसे इनपुट करते हैं वो अगर नहीं जानते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक वीडियो लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले ये फ़ोन को लाइट मोशन में इनपुट कर लेना और ये लेयर में ऐड कर लेना। और ये जो बीट है देखो ये बीट में आपको आना होगा, देखो 2.28 सेकंड में जो बीट है ये बीट में आपको आना होगा। और ये बीट में आने के बाद जिस फोटो पर वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो ये जो बीट है ये बीट के हिसाब से आपको फोटो ऐड करना होगा, तो ये बीट में फोटो कैसे ऐड करना है ध्यान से देखना। देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, तो फोटो ऐड करने के बाद ऊपर में जो 3 डॉट है वहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो देखो ये जो बीट है ये बीट के बराबर आपको करना है फोटो लेयर को, तो जो बीट है ये बीट में आ जाना, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो फोटो लेयर है एकदम बराबर हो गया। तो दोस्तों फिर से अगला बीट में आ जाना, मतलब ये बीट में, और फिर से इधर से और एक फोटो को ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद ऊपर मुझे 3 डॉट यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। उसके बाद फिर से अगला बीट में आ जाना, जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना। तो ऐसा करके आपको ये बीट है ये बीट में फोटो ऐड करना होगा, तो ये बीट में आप फोटो को ऐड कर लेना जैसे मैं दिखाया वैसे करके। और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से देखना, ये जो फोटो है ये फोटो लेयर कैसे साइड में दबा कर रखना होगा, और ऐसे करके नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो रेक्टेंगल 3 लेयर है उसके नीचे आपको रखना होगा, तो उसके नीचे रख देना। उसके बाद फिर से और एक फोटो लेयर को ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा, और फिर से ऐसे करके नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद दोस्तों जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना। उसके बाद फिर से अगला जो फोटो रहेगा उसको ऐसे साइड में दबा कर रखना होगा, और ऐसे करके नीचे ले आना। और ले आने के बाद उसको ऐसे करके सेट कर लेना, देखो जो बीट है ये बीट में फोटो ऐड कर लेना, और ऐसे करके नीचे जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख लेना। तो मैं ये बीट में सभी फोटो में सॉरी ये सभी बीट में फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैं सभी बीट में फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो आप भी सभी बीट में फोटो को ऐड कर लेना। और सभी बीट में फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो ऐसे करके फोटो को ऐड कर लेना। और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद सबसे पहले ये जो फोटो है ये फोटो में आपको इफेक्ट देना होगा, तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार बैक हो जाना, और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आपको आना होगा। इसमें आने के बाद दोस्तों जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, 3 डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, और जो सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना, तो सॉन्ग बिटमैप प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जितने सारे फोटो लेयर रहेगा सभी फोटो में ये इफेक्ट को देना होगा, तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, 3 डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो इफेक्ट है वो ऐड हो जाएगा। फिर से अगला फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, 3 डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो ऐसा करके यहाँ पर जितने
देखो फोटो रहेगा सभी फोटो में इफेक्ट को पेस्ट कर देना, सभी फोटो में एकदम एंड तक सभी फोटो में इफेक्ट को दे देना। और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, आगे आ जाना और यहाँ पर देखो ये जो लिरिक्स है ये लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करना। तो लिरिक्स में किस कैसे इफेक्ट ऐड करना है ध्यान से देखना, जो लिरिक्स लेयर है लिरिक्स लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, ऐड इफेक्ट में आना होगा और यहाँ पर जो टेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच करना होगा। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो टेक्स्ट प्रोग्रेस जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को ऐड कर लेना, तो ये इफेक्ट को टच कर देना। और इधर से देखो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेटिंग है यहाँ पर टच कर देना, तो हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको सेटिंग करना है, तो कैसे सेटिंग करना है देखो, फर्स्ट बिट में आपको आना है, फर्स्ट बिट में आने के बाद यहाँ पर जो एंड है इसको एकदम जीरो करना है और ऐसा करके जीरो कर देना, देखो 0.00 कर देना। उसके बाद एक प्लस दे देना, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा तो प्लस लग जाएगा, देखो प्लस दे देना और ऐसा करके एकदम लास्ट बिट में आ जाना। लास्ट बिट में आने के बाद ऐसा करके थोड़ा आगे आ जाना, देखो ऐसे थोड़ा आगे आ जाना और ये जो एंड है ऐसा करके आपको बढ़ाना है, फुल करना है। तो देखो यहाँ पर 100.0 कर देना, तो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो टेक्स्ट में। तो कुछ इस तरह इफेक्ट देना दे देना और इफेक्ट देना हो जाने के बाद देखो यहाँ पर जो नॉन जो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा देखो टेक्स्ट में इफेक्ट। तो अब क्या करना है, ये लेयर को टच करना होगा, फिर से इफेक्ट ऑप्शन में आना है, ऐड इफेक्ट में आना है और यहाँ पर जो फेड इन फेड आउट है ये इफेक्ट को टच करके ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों जो इफेक्ट है इसको खोल लेना और ये जो इन है इसको जीरो कर देना और जो आउट है इसको 30 कर देना। तो ऐसे करने के बाद दोस्तों हमारा जो इफेक्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना और इधर से कॉपी इफेक्ट कर लेना, कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितने सारे लेयर है सभी लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट कर देना है ऐसा करके, देखो ऐसा करके पेस्ट कर देना एकदम एंड तक। यहाँ पर जो लिरिक्स है और सभी लिरिक्स लेयर में इफेक्ट को दे देना और इफेक्ट देना हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना है, डबल टेक्स्ट में आना है और इधर से तीन इमोजी को ऐड करना है, अपने पसंद के तीन इमोजी ऐड कर लेना। तो देखो मैं तीन इमोजी ऐड कर लिया हूँ, सॉरी चार इमोजी ऐड कर लिया हूँ। तो यहाँ पर एक बार टच करना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। उसके बाद दोस्तों दोबारा टिक ऑप्शन को टिक करना है, मूव वाला ऑप्शन में आना है और ऐसे करके यहाँ पर ऐड कर लेना। और देखो यहाँ पर जो मैं इंस्टा और टेलीग्राम जो मैं लिख कर रखा हूँ यहाँ पर आप लोग अपना जो कोई भी लिखना चाहते हो इधर लिख लेना। और ऐसे करने के बाद फिर से ये बिट में आपको आना है, ये बिट में आने के बाद प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आना है और ये जो पिंजी बॉर्डर है ये पिंजी बॉर्डर को ऐड करना है, देखो ये वाला पिंजी बॉर्डर को ऐड करना है। बॉर्डर को ऐड करने के बाद लास्ट में आपको आना है, ये जो ऑप्शन है पर टच करना है। तो देख सकते हो हमारा ऐसे करके जो स्टेटस है बना लेना और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट करना कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।